मुझे और जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पाकिस्तान के अवाम की अदालत में सुर्खरू किया है। और वो इमरान न्याजी जिसने धोखे के साथ फॉरेन फंडिंग के साथ इस मुल्क के अंदर उस हुकूमत के खिलाफ साजिश की जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा रही थी, वो इमरान न्याजी जिसने फॉरेन फंडिंग के जरिए उस तरह पाकिस्तान के इलेक्शन में मुदाखलत की जैसे आज बैरून मुल्क में सोशल मीडिया के जरिए इलेक्शन के नतीजे बदले जाते हैं, और वो हुकूमत जो पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बना रही थी, वो नवाज शरीफ की हुकूमत जिसने पाकिस्तान से अंधेरे दूर किए थे, वो हुकूमत जिसने पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म की थी, उस हुकूमत को धांधली से साजिश से खत्म करके ये आवाम के मैंडेट को चुरा के इक्तदार पे बैठ गया। और आज 18 महीने के बाद
पाकिस्तान के लोगों को, आज पाकिस्तान के लोगों को ये पता चल गया है कि धोखा दिया और वो नया पाकिस्तान गरीब आदमी के लिए डरावना पाकिस्तान का ख्वाब बन चुका है। लेकिन मैं एक बात इमरान नियाजी को कहना चाहता हूं कि आज जब हम अडियाला जेल से निकले तो रास्ते में पिंडी के अवाम ने जो इस्तकबाल किया और खास तौर पे गरीब लोगों ने, रिक्शे वाले ने, रेड़ी वाले ने, मजदूर ने, ताजरों, दुकानदारों ने जिस तरीके से वहां पे वालहाना दुआएं दी, हमें मुबारकबादें दी, हमें दुआएं दी, मैं एक बात अल्लाह ताला के फजल से कहना चाहता हूं, इमरान नियाजी सुन लो, इलेक्शन अगर आज हो, इलेक्शन अगर 6 महीने में हो, इलेक्शन अगर 2 साल में हो, इलेक्शन जब भी होगा, पाकिस्तान के अवाम मुस्लिम लीग नूर और नवाज शरीफ को 2/3 अक्षरियत से दिखाएंगे। और ये मुस्लिम लीग नून नहीं जीतेगी, बल्कि मेरी ये बात भी याद रखना कि कराची से पेशावर तक पीटीआई के उम्मीदवारों की जमानत। मेरे भाइयों, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि जिसकी जात ने हमें सुरखरु किया, मैं पाकिस्तान के आवाम का और कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी दुआएं हमारी माओ की, बहनों की, बुजुर्गों की, नौजवानों की, हमारे साथ थी। और मैं इस कैद को पाकिस्तान के अवाम और अपने कायद नवाज शरीफ के नाम करता हूँ। जिसकी बहादुरी ने हमें हौसला दिया, हमें ताकत दी कि हमने इमरान नियाजी के झूठे मुकदमों का डट के शेरों की तरह मुकाबला किया। ये आवाजें झूठे मुकदमों से दबने वाली नहीं। इमरान नियाजी हम पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। हमारे ये पूरी आगे को टूटने वालों के मीडिया में आया कि इमरान नियाजी के पार्टी के माफिया ने इसकी जमात में जो शुगर माफिया है, जो आटा माफिया है, उसने 150 अरब रुपए का डाका डाला गरीब की जेब पे, मजदूर की जेब पे, किसान की जेब पे। नैब तब तो हरकत में नहीं आया। वो दसो वीडियो सारा मैं किधर पे मैं कैमरा साहब
مجھے اور جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کو پاکستان کے عوام کی عدالت میں سرخرو کیا ہے. اور وہ عمران نیازی جس نے دھوکے کے ساتھ فورن فنڈنگ کے ساتھ اس ملک کے اندر اس حکومت کے خلاف سازش کی جو پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جا رہی تھی, وہ عمران نیازی جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے اس طرح پاکستان کے الیکشن میں مداخلت کی جیسے آج بیرون ملک میں